आज फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने जो है फायर बॉल्स का जो है सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है और ये कामयाब रहा जबकि पिछली बार नाकाम रहा था। तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, किस तरह की प्रिपरेशन से? आई थिंक नई टेक्नोलॉजी है, इसको लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए और हम लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें ट्राई करें जिससे कि फायर सेफ्टी टाउन में आ सके। एक फायर हाइड्रेंट्स को लेके टेंडर भी किया है जिसकी मुझे लगता है सैटरडे लास्ट डेट है। उसके बाद हम टाउन के जो सबसे ओल्ड टाउन के जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, पतले रास्ते, उन पूरे स्ट्रेच पे 2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, उस पूरे पे हम फायर हाइड्रेंट्स को 13 नंबर लगा पाएंगे। और इस तरह जैसे फायरबॉल का आज टेस्ट हुआ है, मुझे नहीं पता सक्सेसफुल है या नहीं, अभी इसको इस्तेमाल और करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसको ट्राई करना चाहिए। और जो सेंसिटिव रूम्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, उसी तरह जो एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहिए ताकि एक बैकअप आपके पास रहे जहाँ पर एक्सटिंग्विशर या फायर ब्रिगेड काम ना करे, वहाँ पर फायरबॉल आपकी फायर को इमीडिएट एटलीस्ट कम करें अगर ख़त्म भी ना कर पाए तो। सर, शहर में काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन ना वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स है और ना ही कोई एंट्री और एग्जिट प्लान है, तो इस पर क्या बोलेगी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या करने जा रही है इसको लेकर? आपदा मित्रा इसकी ट्रेनिंग कराई गई है इस चीज़ में और सभी पंचायतों को एक एक पूरा बॉक्स, काफ़ी बड़ा बॉक्स बना के सारे डिजास्टर की किट्स को प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग अभी विंटर के टाइम का इस्तेमाल करेंगे और इन स्कूलों में आपदा मित्रास को भेज के इनका ऑडिट कराएंगे, सेफ्टी ऑडिट। साथ साथ जो पंचायत के बॉक्सेस हैं, मैंने देखा है कई जगह या तो वो BDOs के पास अभी भी पड़े हुए हैं या फिर उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उनको हम नियर बाय स्कूल में रखवाएंगे ताकि इसको जब भी कोई एक्सीजेंसी होती है एक सेंट्रल पॉइंट भी रहे इस्तेमाल के लिए और स्कूल में भी इस्तेमाल किया जा सके। सर, हम देख रहे हैं कि शहर में मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, हालांकि जो जब नक्शा पास किया जाता है म्यूनसिपलिटी में उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें होना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी जगह नहीं पाए जाते और उस वक्त सारा प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर आता है, तो आप लोगों को क्या बोलेंगे इसको लेकर? हम लोगों को यही बोलेंगे कि कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीज किया जाएगा और आपके काम को रोक दिया जाएगा। आप लोग इस तरह के वायलेशन को ना करें और उसके साथ साथ अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो परमिशंस हैं उनका हम ऑलरेडी ऑडिट करवा रहे हैं, जिसमें तहसीलदार को डायरेक्शन भी है कि जल्द से जल्द उसका ऑडिट कंप्लीट हो कि कितने परमिशन इशू हुए पिछले कुछ सालों में और उस परमिशंस में क्या नॉर्म्स को फॉलो किया गया। तो दैट इज़ समथिंग विच वी आर वर्किंग ऑन, जिससे मुझे लगता है टाउन में एक सेफ्टी का माहौल बना पाएंगे। थैंक यू सर।